ईशान बाबा आप यहाँ हो? ईशान ईशान का जूता निकलने में ही फायदा है। चलो भाई ईशान कुंज, तुमने मुझे जहाँ छोड़ा था ना, तुम वहां जाओ सारे घर वालों को लेके। मुझे ईशान के बारे में कुछ पता चला है, मैंने जल्दी आ जाओ। देखिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस शहर में आपकी इजाजत के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। कोई भी क्राइम हो आपकी नजरों से तो नहीं बच सकता, राइट? इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मनोहर सरना के पोते को किडनैप किसने किया है। आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन है उस फैमिली का जिसके बारे में और किसी को पता नहीं, प्लीज बता दीजिए। वो गाड़ी यहीं से निकली थी पापा जी, और फिर मैंने ईशान की कैंडीज देखी, मैंने उन्हें फॉलो किया। वहाँ मैंने ईशान को बहुत आवाज भी लगाई, पर शायद मेरी आवाज उन किडनैपर्स ने सुन ली। वो ईशान को लेके चले गए। देखिए देखिए, मुझे ईशान का शू भी मिला वहाँ पे। ईशान यहीं था। मेरा बच्चा, तुम पागल हो गए क्या ट्विंकल? तुम अपने आप को कोई प्राइवेट डिटेक्टिव समझती हो जो अकेले आ गई यहाँ पे ईशान को ढूंढने के लिए? देखा तुमने तुम्हारी ओवरस्मार्टनेस का नतीजा क्या हुआ? तुमने उसकी जिंदगी को और भी ढीचे में डाल दिया है। क्यों किया तुमने सब, क्यों किया? नहीं निकी भाभी, जस्ट शट अप ट्विंकल। आई स्वेयर अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुमने जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। चुप हो जाओ बेटा। नहीं निकी भाभी, परेशान मत हो, ईशान को कुछ भी नहीं होगा। इस बार ना मैंने गाड़ी का नंबर देख लिया था और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है। व्हाट? व्हाट? तुमने पुलिस को? तो पुलिस को बताने के लिए किसने कहा था ट्विंकल? हमने तुम्हें मना किया था। तुम एक बार बात समझ नहीं आती है क्या? पर पापा जी, हम ऐसे उन गुंडों से नहीं डर सकते। अगर हम उनसे डर गए तो वो इस बात का फायदा उठा लेंगे और ईशान के साथ कुछ भी कर सकते। तुम्हें पता है वो ईशान किन लोगों के पास है? तुम्हें पता है अगर उनको पता चलेगा तो वो क्या हाल करेंगे उसका? तुमने बहुत गलत किया ट्विंकल, बहुत गलत किया है। मुझे नहीं लगता ट्विंकल ने कोई गलती की। उसने बिल्कुल ठीक किया पुलिस को बुला। अगर किडनैपर्स अभी यहां से निकले तो एटलीस्ट पुलिस उन्हें रास्ते में पकड़ सके। हेलो, क्या सरना साहब, या तो आपको हमारी बात समझ ही नहीं आ रही या फिर आपको अपने पोते की जान बिल्कुल प्यारी नहीं है। नहीं। आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? ये तो बड़ा गलत किया आपने। वैसे सरना साहब, आपका पोता है बड़ा प्यारा, लेकिन क्या करें, आपकी गलती की सजा उस बेचारे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ऐसा क्यों किया दादाजी ने अपने पोते के साथ, बेचारा ईशान? नहीं प्लीज, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? प्लीज मेरे ईशान को कुछ मत करना, प्लीज मेरे ईशान को कुछ मत करना, प्लीज। अरे रे 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 रे, इतना दर्द तो सिर्फ एक माँ की आवाज में ही हो सकता है। चलिए एक मौका और दे देते हैं हम। अगर ईशान की जान बचानी है तो रामलीला मैदान में पहुंच जाओ ठीक शाम को 7 बजे। एक मिनट भी यहाँ का वहाँ हुआ तो ईशान तो नहीं नहीं प्लीज, तेरे ईशान को कुछ मत करना, कुछ करिए प्लीज, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं जाऊंगी ईशान को बचाने।
में ढूंढेंगे ईशान को। ईशान मम्मी जी, इतनी भीड़ में मेरा बच्चा कहाँ मिल गया, समझ ही नहीं आ रहा। कुछ भी करिए, मेरे बच्चे को ढूंढिए आप लोग, मेरे बच्चे को ढूंढिए। ईशान भाई, आपने ईशान देखा? नहीं भाई। ईशान आपने इस बच्चे को कहीं देखा है? नहीं, हमने इसे नहीं देखा। देखो यहाँ पे बहुत भीड़, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, तुम यहीं पे रुको। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, लेकिन ईशान बच्चा है, हमें बिना टाइम वेस्ट किए उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना है। चलो यहाँ से। ईशान, ईशान। भाई साहब, आपने इस बच्चे को कहीं देखा? नहीं भाई साहब, आपने देखा इस बच्चे को कहीं? इस बच्चे को कहीं देखा? मैंने तो कहीं नहीं देखा। भाई साहब, आपने इसको देखा कहीं पे? नहीं भाई साहब। सब देखिए ना, आपने बच्चा देखा? 4 साल का छोटा सा। बेटा, बेटा आपने इस बच्चे को देखा? छोटा सा। कुंज ने फोन पर बताया कि ट्विंकल ने ईशान की किडनैपिंग के बाद पुलिस को बता दी। यह बात किडनैपर्स को पता चल गई है। उन्होंने मनोज जी को फोन करके धमकी दी है कि अगर वो ईशान की सलामती चाहते हैं तो रामलीला मैदान पर पहुंच जाए। वहीं सब गए हैं। नहीं पढ़ा, तुझे फिक्र ना करो, ईशान को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ईशान को। रब करे ऐसा ही हो। हे वाहेगुरु जी, ईशान की रक्षा करना, उस मासूम बच्चे को अपने परिवार तक पहुंचा देना और मेरी ट्विंकल का साथ देना। यही नवेली बहू है, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगना बहुत बुरी बात है। उस पर अपनी मेहर बनाए रखना, मेहर बनाए रखना। मिल जाएगा, आई एम श्योर वो यहीं कहीं है। बाबा जी प्लीज कोई हिंट दे दो हमें ईशान को ढूंढने का, प्लीज बाबा जी। ईशान को हमारे पास सही सलामत भेज दिया, थैंक यू सो मच। तू ठीक है ना पार्टनर, कुछ हुआ तो नहीं तुझे? शाबाश, होने भी नहीं देंगे। ईशान चलो, ट्विंकल चलो। ईशान बेटा, I miss you. निकी भाभी, मैंने कहा था ना कि हमारे ईशान को कुछ भी नहीं होगा, देखा?
बाबा जी की ब्लेसिंग से हमारा ईशान बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। कुंज, कुंज बेटा तू ठीक तो है ना? उन किडनैपर्स ने कुछ? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। हमें यहाँ से चलना चाहिए प्लीज। हाँ हाँ, लेट्स गो लेट्स गो। निकी बेटा आनंद, हम घर चलते हैं। डैड, लाउड स्पीकर पे। मुबारक हो सरना साहब, आखिर आपको आपका पोता मिल ही गया। लेकिन अब भी सवाल तो वही बनता है कि क्या आप उसे बचा पाएंगे? क्या पकते हो? कहना क्या चाहते हो तुम? सरना साहब, आपको क्या लगा हमने आपको यहाँ दशहरे का मेला देखने के लिए बुलाया है? आज आपके पोते ईशान का देहन होगा, वो भी जिंदा। उसके परिवार के सामने ठीक जैसे रावण का होता है। क्या कह रहे हो तुम? आपके लिए सरप्राइज है सरना साहब, आपके पोते के कपड़ों के नीचे। देखिए देखिए। देखिए देखिए बेटा। ईशान पे हमने बॉम्ब लगा दी है। इस दशहरे में रावण के साथ साथ ईशान भी जलेगा। गलती से भी बॉम्ब को निकालने की कोशिश मत करना, वरना दो मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा और ईशान के साथ साथ आप लोग भी उड़ जाएंगे। आपके पास ईशान को बचाने के लिए 3 मिनट का वक्त है। बचा सकते हो तो उसे बचा लो। और हाँ, याद रहे कि हमारी नजर आपके पूरे परिवार पे बनी हुई है। वक्त बहुत कम है आप लोगों के पास। अब हम क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है, चलो यहाँ से। डैड, वो 3 मिनट हमें यहाँ से बाहर निकलने में लग जाएंगे। डैड, तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? हमें जान को यहीं छोड़ के चले जाएंगे क्या? इस तरह भाग जाएंगे हमें यहाँ छोड़? कुछ करिए आप लोग प्लीज, कुछ करिए। हौसला रखो। यहाँ से निकलने का टाइम नहीं है, 3 मिनट में बम फट जाएगा। और अगर हमने इसको निकालने की कोशिश करी तो 2 मिनट में। 2 मिनट में दुनिया इधर से उधर हो जाती है भैया। मुझ पे भरोसा रखिए, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी पे खरोच भी नहीं आने दूंगा। कुछ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जान को खतरा है। रामलीला मैदान में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब से कुछ ही देर में रावण दहन शुरू होने जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा पीछे हट जाएं। कुछ तेरी जान को खतरा? अब सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास। ट्विंकल हट पीछे, मैं मुझे हैंडल करने दे। जो भी करेंगे साथ में करेंगे। ट्विंकल जिद का टाइम नहीं है, प्लीज दूर हट इससे। मैं नहीं, तुम कर रहे हो। कह दिया ना, जो भी करेंगे साथ में करेंगे। पीछे Thank you.
की बनूस है, खा गई मेरे बेटे को वो लड़की, मेरा बाप। कुंज बेटा तू ठीक तो है ना, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना कुछ? माँ मैं बिल्कुल ठीक। ट्विंकल बेटा आई एम सो ग्लैड कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। इम्पोर्टेंट तो यह है पापा जी कि हमारा ईशान बिल्कुल ठीक, उसे कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ईशान डरा दिया था सबको। लाइए मुझे दीजिए, मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ। हाँ देखिए बेटा इसको ऊपर लेके जाओ और जरा डॉक्टर को भी फोन कर देना। जी मम्मी जी, थैंक यू डैडी। आनंद तुम भी जाओ। ट्विंकल पुत्र तू ठीक तो है ना? हाँ जी मामा जी। वाहेगुरु की फोटो के सामने से हटी नहीं रही थी, क्यों पैणा? माँ मैनू यकीन था मनोहर जी कि वाहेगुरु जी के होते हुए किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, उनकी मेहर है जो इस घर का चिराग बच गया। पुत्र तूने बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत। आज मैं वाकई कह सकता हूँ वाकई तू मेरी भांजी है। मामा जी जब तक आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे है ना, कोई बुरी भला मुझे छू भी नहीं सकती। ऐसी बातें कर रही है पुत्र, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे और कुंज के साथ रहेगा। पुत्र बड़े चाहे कितना भी रूठ जाएं, क्यों ना साथ छोड़ जाएं, दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती, क्यों बेटा? ए पुत्र अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ओह वाओ क्या बात है, अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग वाला आंसुओं से भरा हुआ फैमिली सीन चल रहा है। ऐसे सीन्स तो आजकल फिल्मों में भी नहीं दिखते। हाँ मैं यहाँ पे आप लोगों से सोशलाइज करने नहीं आई, मैं सिर्फ एक गलत फहमी को दूर करने आई। क्या मतलब है आपका? अरे वाह इतनी जल्दी भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर के बाहर आई थी, इतनी नौटंकी कर रही थी, मेरे और मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि हमने ईशान को किडनैप करवाया है और आप भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं। Anyways, let me just clarify this. ईशान की किडनैपिंग के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं, लेकिन जिस इंसान ने ईशान को किडनैप करवाया उस बेचारे बच्चे की ये हालत थी, तुम लोग जानना नहीं चाहोगे वो इंसान कौन? अपना नाटक बंद करिए और निकल जाइए यहाँ से। हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि ईशान की किडनैपिंग के पीछे आप ही का हाथ है। वैसे आइडिया बहुत ही अच्छा था बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं था। फिर किसने किया है? ये सुनने के लिए तुम्हें अपने दिल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान का नाम सुनने के बाद
तुमको बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। ईशान की किडनैपिंग के पीछे जिस इंसान का हाथ है, वो इंसान आप लोगों की ही फैमिली का एक मेंबर है। वो है ये मिस्टर मनोहर सरदार।